नमस्कार दोस्तों, खबर लहरिया के इस फेसबुक लाइव में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम मौजूद हैं छतरपुर जिले के कौन सा गांव है जी? चंदपुरा गांव पर। यहां पर कम से कम 200-250 आदिवासी रहते हैं जिनको पानी की समस्या बहुत ज़्यादा है। इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर 250 आदमियों के बीच सिर्फ एक ही नल लगा है और अगर हम लोग वहाँ पर पानी भरने जाते हैं तो लोग छुआछूत करके हमसे लड़ाई करते हैं और हमारे बर्तन फेंक देते हैं। इन लोगों की मांग है कि अगर आदिवासी मोहल्ले में एक हैंडपंप और लग जाए तो इन लोगों की समस्याएं हल हो जाएंगी। आइए हम इनसे बात करते हैं कि उन्हें क्या समस्याएँ हैं। चलो, क्या नाम है आपका? सुमन। तो क्या दिक्कत है आपको? हमारे जैसे के जैसे पानी भरने जाते हैं, कुम्हार लोग हैं ना, तो वो छुआछूत करते हैं, पानी नहीं भरने देते हैं, वो लड़ाई कर लेते हैं। कोई दिन बच्चन के कलसा मिलसा फोड़ डालते हैं, डिब्बा फोड़ डालते हैं, कुछ काम नहीं कर पानी नहीं भरने देते हैं और कहने जाते थे लड़ाई झगड़ा करते हैं। ना लेटरिन भर रही, ना बाथरूम भर रहा। बच्चे सोकोच जाते हैं घूमने के लेटरिन बाथरूम के लिए, कुछ भी नहीं बना के दे रही सरकार। तो कितना पानी लगता है एक दिन में आप? पानी जाते तो 250 डिब्बा लगते हैं, तो 250 डिब्बा पूरा मोहल्ला है अपना कुम्हारा निकाल है। कुम्हारे लोग भरने नहीं देते हैं, छुआछूत करते हैं वो लोग। तो क्या चाहती हैं अभी आप? हम नल लगाने चाहते हैं और लेटरिन बाथरूम के लिए पैसा नहीं निकल रहा है। दो को बहुत दूर जाते हैं लेटरिन बाथरूम के लिए, तो बाहर जाते रात के लिए जा नहीं पाते। रात के लिए डर लगता है कोई आदमी छड़ा छड़ी न कर ले, कोई पकड़ के नहीं ले जाए। उसके वजह से हम दूर जाते हैं, तब करके एक दो लेटरिन बन जाए तो सही रहेगा। अभी आप लोग कहाँ से पानी भरते हैं? यहाँ नल पे से भरते हैं, हम नल का बस भर रहे हैं। नल का पे से भर रहे थे तो वो छियाछूत करते हैं, पानी कुछ भी काम नहीं करते हैं। सरकार पे जाते हैं, 50 वाले माइक वाले ले गए, वो रिकॉर्डिंग काट के तो कुछ भी नहीं काम कर रहे हैं। पानी सरकार तरफ से कोई मदद नहीं हम लोगों के लिए, आदिवासी लोगों के लिए सरकार से कोई मदद नहीं हो रही है। हम लोगों की आदिवासी लोग हैं हम लोग, पानी ये है हम लोगों की मदद करी जाए ना, मदद करी जाए कि जैसे कि हम लोगों का ना सरकार से कोई हमारे लिए ना कोई घर आया, ना कोई लेटरिंग आई है, ना कोई नलका आया हम लोगों के लिए। हम लोग 1 किलोमीटर लेटरिंग के लिए जाते हैं, सरकार थोड़ी मदद करी जाए थोड़ी बहुत। हैं तो पानी की किस तरह की दिक्कत है? पानी की दिक्कत तो ये कि आदमी चार आदमी जुड़ जाते हैं तो वो छुआछूत की भी मानते हैं, वो थोड़ी बहुत लड़ाई भी हो जाती है पानी के ऊपर। हैं कोई लेडीज भी लड़ जाती हैं उधर जाकर, हैं एक एक आदमी 25-25-33 डब्बा भी भरते हैं उसमें। ये 2-3 घंटा खड़े रहिए किसी के लिए, रोटी ही हलक गई, वो बेहोश होकर खत्म ही हो गया उसमें। एक पंप गड़ा है तो पंप की मंजूरी करी जाए आपके लिए, तो आप तो यही लगा दो, पंप लगा दो आपके लिए, यही व्यवस्था हो जाए सरकार की। कभी शिकायत की इसकी? हाँ, ये 2-3 दिन शिकायत हो चुकी है नलका की, पहुँचा दिया कोई की। 2-3-4 बार वाले भी ले गए तो जैसा कि आप देख रहे हैं, इन आदिवासियों का कहना है कि हम 2-3 बार शिकायत कर चुके लेकिन अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो सकी। तो आइए हम किसी और से बात करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। सब ढूंगी फाडारी। क्या नाम है? नल का लगा दियो बेटा, बहू राजा हरो। किस तरह की दिक्कतें हैं? अरे बेटा बहुत दिक्कत ही है पानी के लिए, ना रोटी के लाने आटा मिलता है, ना कुछ मिलता है, और ना पैसा मिलते हैं गरीब आदमी के लिए, घर के लिए ना घर के लिए, ना लेटरिंग के लिए। हम कहाँ जाएंगे लेटरिंग करवे, मांग के खाते हैं रंग महार बैठते हैं, मिल गया तो खा लिया, नहीं मिला तो बैठे हैं। तो आइए हम और भी बात करते हैं और भी लोगों से कि उन्हें क्या समस्या है। हम यहाँ के नहीं है दीदी, हम तो बाहर के हैं। तो फिर किस तरह की क्या है जब आप यहाँ पर आए तो पानी की किस तरह? पानी की कमी है बस, पानी व्यवस्था नहीं है। कोई 4 डिब्बे लेके आ जाए, कोई 6 डिब्बे लेके, कोई 1 लेके जाए तो उसको भरने नहीं देते।
लेटरिंग बाथरूम ना जगह जमीन बेचारे के पास, ना कोई खेती किसानी कुछ भी नहीं है, तो किसी तरह की कोई मदद नहीं है। घूमने जाते हैं, मांगने जाते हैं, वहाँ पे भी लोग रोक करते हैं, मारने लेते हैं। ये कोरोना वायरस है, देखे जाए कोरोना वायरस के भगो भगो भगो, किसी को कुछ नहीं करना, ना धंधा ना पानी कुछ नहीं, भूखे प्यासे करवा कर लेते। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर लोग, पानी की काफी समस्या है लोगों को, आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। कहाँ से लाई है आप पानी? हम नहीं जाने थे, अरे इधर बता मोरे लिए तो फिर किस तरीके दिक्कतें हुए पानी की? अरे कमी है पानी के लिए, तो हम भूखे प्यास से मरते हैं, लेटरिन बना दे, हम कहाँ जाएंगे? तो जैसा कि आपने देखा, इन लोगों की काफी मांग है, आवास की भी मांग है, और यहाँ तक कि शौचालय भी यहाँ इन लोगों के अभी नहीं बने। इन लोगों का कहना है कि पानी नहीं है तो हम लोग बाहर शौचालय जाते हैं और लोग हम लोगों को वहाँ से भी भगा देते हैं। कहना है कि सरकार से कोई मदद मिल जाए तो हम लोगों की ये समस्याएं जो भी है यहाँ पर हल हो जाएंगी। तो देखते रहिए हमारा फेसबुक लाइव, हम आपको और आगे का अपडेट देते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। खेती किसानी नहीं है, झुग्गी झोपड़ी उम्र